जब बादशाह औरंगज़ेब दिल्ली का राजा बना तो 1661 में उसने यह ऐलान जारी कर दिया कि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी मंदिर हैं उन पर ताले लगा दिए जाएं। बहाना यह बनाया गया कि मंदिरों की इमारतें बहुत पुरानी हो चुकी हैं, चाहे वह अयोध्या का राम मंदिर हो या सोमनाथ का मंदिर। हिंदुओं में तब इतनी शक्ति नहीं थी कि वे मुग़ल बादशाह के आगे इस बात का विरोध कर सकें। जब कई सालों तक मंदिरों के ताले लगे रहे तब औरंगज़ेब ने यह महसूस किया कि हिंदू अपने धर्म के लिए जागरूक नहीं हैं। ना ही उन्होंने किसी प्रकार का विरोध किया, उनमें अपना हक मांगने की शक्ति नहीं रही। औरंगज़ेब ने 1674 में हिंदुओं के मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनवाने का आदेश जारी किया। कहा जाता है कि बड़े कम समय में मस्जिदें बनवाने के बाद उसने हुक्म दिया कि हिंदुओं को पैसों का लालच देकर मुसलमान बना दिया जाए। उसके काजों ने उसे मशवरा दिया कि कश्मीर के पंडित बड़े सम्मानीय समझे जाते हैं, अगर उनको मुसलमान बना दिया जाए तो सारे हिंदुस्तान के हिंदू अपने आप ही मुसलमान बन जाएंगे। औरंगज़ेब को अपने सेवादारों और काजियों की सलाह बड़ी पसंद आई। उसने आदेश दिया कि कश्मीर के पंडितों को मुसलमान धर्म अपनाने के लिए सख्ती की जाए, कश्मीरियों के घर और जायदाद जब्त कर ली जाए, उन्हें भयानक सजाएं दी जाएं। जब कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार जुल्म होने लगे तो उन्होंने कश्मीर के सूबेदार से 6 महीने की मोहलत मांगी। उन्होंने कहा कि वे इस समय के अंदर या तो वह मुसलमान धर्म अपना लेंगे या फिर जो सजाएं मिलेंगी वह भुगतने के लिए तैयार हो जाएंगे। पंडितों की यह बात सुनकर जब सूबे के हाकिम ने 6 महीने की मोहलत दे दी तो कश्मीर के प्रमुख पंडित इकट्ठे होकर अमरनाथ के प्रसिद्ध मंदिर में शिवजी के आगे विनती करने पहुँचे। मंदिर में पहुँचकर पंडितों ने मर्यादा अनुसार पूजा पाठ करवाया और शिवजी के आगे सहायता के लिए प्रार्थनाएं की, पर शिवजी ने उनकी सहायता ना की। मौत उनको सामने नजर आ रही थी। उस समय कश्मीरी पंडितों का एक मुखी पंडित कृपा राम था। उसने सारे ब्राह्मणों को यह सलाह दी कि इस मुश्किल घड़ी में अगर किसी महापुरुष की या किसी पहुँचे हुए संत की सहायता ली जाए तभी हम बच सकते हैं। और उसने सबको संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी को किसी ऐसे महान पुरुष से मिलना चाहिए जो शक्तियों का मालिक हो या फिर हमें कोई सलाह मशवरा दे सके। सारे पंडित जब उससे सहमत हो गए तब उसने बताया कि गुरु नानक देव जी एक ऐसे महान पुरुष हुए हैं जो किसी हाकम बादशाह या जालिम से नहीं डरते थे। उनकी गद्दी अभी भी चलती है। उनकी गद्दी पर विराजमान गुरुओं में जुल्म से टक्कर लेने की पूरी समर्थता है। सारे ब्राह्मणों ने तब कृपा राम की बात मान ली और इस तरह वे सारे कश्मीरी पंडित आनंदपुर साहब गुरु जी के दरबार में हाजिर हुए। पंडितों ने हाजिर होकर विनती की, महाराज ताकत के नशे में चूर जालिम औरंगज़ेब हमें मुसलमान बनाना चाहता है, आप गुरु जी हमारी उसके जुल्म से रक्षा करें। हमारे हिंदू धर्म के चिन्ह तिलक और जनेऊ को अब खतरा है। औरंगज़ेब हमें मुसलमान बनाकर सारे हिंदुस्तान को ही मुस्लिम बना देना चाहता है, आप ही हिंदुस्तान के हिंदुओं को मुसलमान बनने से रोक सकते हो। पंडितों की यह दुख भरी कहानी सुनकर गुरु तेग बहादुर जी खामोश होकर कुछ सोचने लगे। गुरु जी गहरी सोच में डूबे हुए थे कि उनके साहबजादे गोविंद राय जी उधर ही बैठे हुए थे। अपने पिता को गहरी सोच में देखकर कहने लगे, पिताजी आप क्या सोच रहे हैं और यह लोग कौन हैं? गुरु जी बोले, बेटा यह कश्मीर के दुखी पंडित हैं। औरंगज़ेब एक बड़ा जालिम बादशाह है जो इनको ज़बरदस्ती मुसलमान बना देना चाहता है। इनकी रक्षा के लिए किसी महान पुरुष की कुर्बानी की ज़रूरत है। अगर यह लोग मुस्लिम धर्म नहीं अपनाएंगे तो इनका कत्ल कर दिया जाएगा। अपने पिता के मुख से यह बात सुनकर साहबजादे गोविंद राय ने कहा, पिताजी आपके मुकाबले और कौन बड़ा महापुरुष है जो इनकी रक्षा कर सके। अपने दलेर पुत्र की यह बातें सुनकर गुरु जी ने पंडितों को कहा, जाकर अपने सूबे के हाकिम से कह दो अगर औरंगज़ेब आनंदपुर वासी हमारे
गुरु तेग बहादुर जी को मुसलमान बना देगा, तब वह भी मुसलमान बन जाएंगे। गुरु तेग बहादुर जी के वचन सुनकर पंडित खुशी खुशी अपने घरों को लौट गए। उन पंडितों ने औरंगजेब को इतला कर दी कि गुरु तेग बहादुर जी हमारे गुरु हैं, अगर तुम उन्हें मुसलमान बना लो तो हम भी सारे मुसलमान बनने को तैयार हैं। औरंगजेब ने तब सोचा कि एक व्यक्ति को अपने धर्म में लाने से अगर सभी हिंदू मुसलमान बनने को तैयार हैं तो हमें और क्या चाहिए। इसलिए गुरु तेग बहादुर जी को हर हालत में इस्लाम में लाना ज़रूरी है। पंडितों के जाने के बाद गुरु जी ने औरंगजेब के पास दिल्ली जाने की तैयारी कर ली। उन्होंने अपने साथ 6 सिख लिए। गुरु गद्दी उन्होंने अपने पुत्र गोविंद राय को सौंप देने के लिए कहा। इतिहास में दर्ज है तब बड़ी गिनती में सिख वहां पहुंच गए। उन्होंने भी गुरु जी के साथ चलने की आज्ञा मांगी, पर गुरु जी ने धरती पर एक लकीर खींच दी। इस लकीर से आगे कोई सिख नहीं आएगा। उन सिखों को बल्कि हिदायत भी दी गई कि साहबजादे गुरु गोविंद राय का ख्याल रखें और उनकी आज्ञा का पालन करें। जो 6 सिख गुरु जी के साथ दिल्ली आए थे वे थे भाई दयाला जी, भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, भाई गुरदित्ता जी, भाई जयंता जी और भाई उदयचंद जी। इतिहास में दर्ज है कि दिल्ली पहुंचने के बाद औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को उनके 3 साथियों भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी और भाई दयाला जी समेत कैद करवा लिया। भाई गुरदित्ता जी और भाई उदय जी भाई जयंता जी के पास ठहरे हुए थे। भाई जयंता जी पहले से ही दिल्ली पहुंच गए थे। इतिहास में दर्ज है जब गुरु जी के कैद हो जाने की खबर औरंगजेब को मिली तब औरंगजेब का लिखा हुआ हुक्म लेकर काजी गुरु जी के पास आया और कहा, अगर आप सच्चे पीर हो तो कोई करामात करके दिखाओ, अगर करामात करके नहीं दिखाओगे तो मुस्लिम धर्म अपना लो, और अगर इन बातों में से कोई भी बात स्वीकार नहीं है तो फिर कत्ल हो जाने के लिए तैयार हो जाओ। तीनों शर्तें सुनकर गुरु जी ने फरमाया, करामात नाम कहर का है जिसे करने से रब के बंदों को शर्म आती है, और दूसरी शर्त रही इस्लाम कबूल करने की। परमात्मा ने हमें जिस धर्म में पैदा किया है उसे छोड़कर किसी दूसरे धर्म को अपनाना एक बहुत बड़ा गुनाह है। हम अपने धर्म में ही जिएंगे और इसी धर्म में मरना पसंद करेंगे। तीसरी शर्त जो तुमने कत्ल हो जाने के बारे में कही है वह हमें खुशी खुशी परवान है। यह सारा जगत तो एक मुसाफिर खाना है, यहाँ किसी ने हमेशा नहीं रहना, फिर हमें मौत का क्या डर। गुरु जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर उन्हें एक छोटी सी कोठरी में तब कैद कर दिया गया। गुरु जी को भूखा प्यासा रखकर कई प्रकार की यातनाएं दी गई। जब इतना कुछ होने पर भी गुरु जी अडोल रहे तब औरंगजेब ने हुक्म दिया कि गुरु जी के साथ पकड़े गए तीनों सिखों को उन्हीं के सामने भयानक सजाएं देकर कत्ल कर दिया जाए, ताकि अपने साथियों की दर्दनाक मौत देखकर वे अपने आप ही हमारी बात मान लें। सन 1675 में भाई मतीदास जी को लकड़ी के बड़े टुकड़े में बांधकर आरा रखकर 2 फाड़ कर दिए गए, पर मतीदास जी ने उफ तक ना की, आखिरी सांस तक वे पाठ करते रहे। दूसरे दिन भाई दयाला जी को उबलते पानी में बिठाकर शहीद कर दिया गया। तीसरे दिन भाई सतीदास जी को रुई में लपेटकर आग लगा दी गई। भाई सतीदास और भाई दयाला जी की दर्दनाक शहीदी को देखकर गुरु जी अडोल अवस्था में रहे। तब बादशाह ने एक और हुक्म जारी किया कि गुरु तेग बहादुर जी को तलवार से कत्ल कर दिया जाए, और कत्ल करने से पहले एक दिन समय निर्धारित करके सारे शहर में ढिंडोरा पिटवाकर लोगों को सूचित कर दिया गया कि हिंदुओं के पीर को चांदनी चौक कोतवाली से बाहर कत्ल कर दिया जाएगा। काजी ने बादशाह का हुक्म गुरु जी को सुनाया और उन्हें मुसलमान बनने के लिए फिर से जोर डाला, पर गुरु जी ने कठोर शब्दों में कहा कि हम प्रभु से मिले हुए अपने धर्म को छोड़कर बादशाह का धर्म अपनाने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं हैं। हम अपने धर्म की खातिर कत्ल होने के लिए तैयार हैं। कहते हैं कि अगले दिन यानी 24 नवंबर 1675 के दिन
कोतवाली से बाहर गुरु जी की इच्छा अनुसार उन्हें पहले स्नान करवाया गया। उसके बाद गुरु जी ने चौकड़ा मारकर जल्लाद को कहा कि पाठ का भोग पड़ने के बाद जब हम सिर झुकाकर प्रभु को नमस्कार करेंगे तो तुम अपना वार कर देना। इतिहास में दर्ज है कि पाठ का भोग पड़ने के बाद जब गुरु जी ने शीश झुकाया, जल्लाद जलालुद्दीन ने तलवार के एक ज़ोरदार वार से गुरु जी का शीश धड़ से अलग कर दिया। हजारों लोगों की भीड़ ने जब यह नज़ारा देखा तो चारों तरफ हाहाकार मच गई। तभी बड़ा भयानक तूफान आया, काली अंधेरी चल पड़ी, सूरज को भी तूफान ने अपनी चपेट में ले लिया और चारों तरफ दिन में ही अंधेरा छा गया। मुगल पुलिस ने हर तरफ सख्त पहरा लगा दिया था ताकि कोई गुरु तेग बहादुर जी का शीश और धड़ उठाकर ना ले जा सके। लोगों में मुगलों ने इतनी दहशत भर दी थी कि कोई भी सिख गुरु का शीश और धड़ उठाने के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत ना कर सका। गुरु घर का कोई सेवक भी ऐसी हिम्मत ना जुटा सका। गुरु जी के खास सेवक भाई उदय चंद, भाई जयंता जी और भाई गुरदित्ता जी उस समय लोगों की भीड़ में शामिल थे। वह गुरु जी की शहादत अपनी आँखों से देख रहे थे। गुरु जी का शीश और धड़ धरती पर पड़ा हुआ था। पुलिस का हर तरफ सख्त पहरा था, पर भाई जयंता जी ने तूफान आने पर अंधेरा होते देखा और उसने भाई उदय चंद को इशारा किया। भाई उदय एक चादर लेकर उनके पीछे हो लिया। लोगों की भीड़ से दूर जाकर उन्होंने शीश को चादर में लपेट लिया और दोनों बच बचा कर आनंदपुर साहब भाग गए। उसी समय गुरु घर का सेवक लकी शाह वंजारा, जो मुगल फौज का शाही ठेकेदार था, किले में सामान रखकर अपनी खाली बैलगाड़ी को लेकर अपने घर को जा रहा था तो उसने जब गुरु जी के धड़ को जमीन पर पड़े देखा तो उसने अपने पुत्र और अपने भाई की सहायता से धड़ को अपनी बैलगाड़ी में रख लिया और उसने अपने घर को ही आग लगाकर गुरु जी के धड़ का अंतिम संस्कार कर दिया ताकि मुगल फौज को शक ना हो। उसी स्थान पर आजकल गुरुद्वारा रकाबगंज बना हुआ है। इतिहास में दर्ज है भाई जैता जी ने गुरु तेग बहादुर जी का पावन शीश आनंदपुर साहब में पहुंचाकर साहबजादे गोविंद राय की झोली में डाल दिया। साहबजादे गोविंद राय भाई जयंता जी की बहादुरी देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने भाई जयता जी को वर दिया, रंग रेटा गुरु का बेटा। फिर उन्होंने मर्यादा अनुसार चंदन की चिता तैयार की और बड़े सत्कार सहित गुरु तेग बहादुर जी के पावन शीश का अंतिम संस्कार कर दिया। जिस स्थान पर पवित्र शीश का संस्कार किया गया वह स्थान आनंदपुर साहब में गुरुद्वारा शीशगंज के नाम से प्रसिद्ध है और जहां गुरु तेग बहादुर जी की शहादत हुई वह स्थान भी दिल्ली में गुरुद्वारा शीशगंज के नाम से प्रसिद्ध है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।